बिहार ग्राम रक्षा दल के नौजवानों की एक आवश्यक बैठक मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष संजय कुमारी यादव ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत भी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने कहा कि 11 जनवरी को मधुबनी की पवित्र भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा के माध्यम से शुभ आगमन होने जा रहा है, जो मिथिलांचल वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम ग्राम रक्षा दल के नौजवान मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत करने को भी तैयार है। इस समाधान यात्रा की खासियत यह है कि एक भी रैली या जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित नहीं करेंगे, वह सीधे जनता से रूबरू होंगे और अधिकारियों से मिलकर आंतरिक बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान मुख्य रूप से तीन काम करेंगे। पहला, राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर क्या स्थिति है। दूसरा, वह चिन्हित समूहों के साथ बैठक करेंगे और जन समस्याओं को जानने की भी कोशिश करेंगे। यह मुख्यमंत्री का 17वीं बिहार यात्रा है, जो सभी यात्राएं से अलग एवं महत्वपूर्ण है। श्री राउत विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस समाधान यात्रा के माध्यम से बिहार के लाखों ग्राम रक्षा दल एवं अन्य संगठनों का जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि इस यात्रा का नाम ही समाधान यात्रा है। इस यात्रा में समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय समाधान यात्रा पर ही निकले हैं। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए यदि जिला प्रशासन की स्वीकृति प्राप्त हुआ तो मिथिला के परंपरा अनुसार स्वागत के साथ साथ देश के आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और गुलाब फूल लहराकर स्वागत करने को तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री से एक ही आग्रह है कि सूबे के लाखों ग्राम रक्षा दल के नौजवानों को कल्याण की घोषणा करें या इस संस्था को समाप्ति का ऐलान करें, क्योंकि लाखों ग्राम रक्षा दल के नौजवान दिग्भ्रमित होकर शोषण का शिकार हो रहे हैं। जो जवान थे वह वृद्ध हो गए, जो वृद्ध थे वह स्वर्गवास हो गए, लेकिन ग्राम रक्षा दल के नौजवानों का कल्याण नहीं हुआ। जबकि वर्षों से ग्राम रक्षा दल के नौजवानों के द्वारा बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से सरकार प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते आ रहे हैं, साथ ही सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को जागरूकता अभियान के माध्यम से ध्यान को आकृष्ट कराते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और ग्राम रक्षा दल के नौजवान मानते नहीं है। इस कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी राम सागर राय, अनिल पासवान, देवेंद्र कुमार, बबलू साफी, हरिनाथ पासवान, अनिल कुमार यादव, हृदय साफी, सुमन कुमार महतो, मनोज चौपाल, दिलीप राम, रामबाबू ठाकुर, अनिल राय, शिवशंकर राम, अशोक कुमाली, सुरेंद्र पासवान, लीलाधर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के नौजवान उपस्थित रहे। देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 11 जनवरी को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मधुबनी के पवित्र भूमि पर जो आगमन होने जा रहा है और वो नाम दिए हैं इस यात्रा का समाधान यात्रा, तो नाम सुन करके हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि आप समाधान यात्रा पर निकले हैं और हम लोग वर्षों से ग्राम रक्षा दल के मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई बिल्कुल ही गांधीवादी तरीका से चला रहे हैं, तो आप आइए मधुबनी के पवित्र भूमि पर। और हम लोगों का जो चिर परिचित मांग है, 11 सूत्री मांग है, आप 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं कीजिए, आप एक ही सूत्री मांग को पूरा कीजिए, या तो ग्राम रक्षा दल का कल्याण की घोषणा कर दीजिए, और नहीं तो इस ग्राम रक्षा दल का जो संस्था है आप उसको रद्द करने का ऐलान कर दीजिए। बस दो ही सवाल को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनका समाधान यात्रा में अपना समाधान कराना चाह रहे हैं आप। जी जी, चूंकि उनका तो नाम ही रखा गया है समाधान यात्रा, तो जब समाधान यात्रा पर आप निकले हैं तो ग्राम रक्षा दल का जो मांग है, जो उचित मांग है, आप उसको समाधान कर दीजिए। हम आपको मिथिला परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत करने का जो है मन बनाए हैं। कितने राम सदस्य होंगे आप लोग मधुबनी जिला से लेके और पूरे? देखिए, सूबे बिहार में 2.5 लाख से भी ऊपर जो है ना हमारे ग्राम रक्षा दल के नौजवान हैं, जो वर्षों से आप देखते होंगे कि संघर्ष करते करते जो है थक चुके हैं। जो नौजवान थे वो वृद्ध हो गए हैं, जो वृद्ध हैं वो स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करने से जो है परहेज करते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि समाधान आप कर दीजिए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।